हेलो एवरीवन, मैं अनीता अनीता इसकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बहुत फेमस चीज़ है, इसे कहते हैं लिट्टी चोखा। तो आज हम वो बनाएंगे, ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल जैसे वहाँ बनता है वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन भूनने के लिए चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन छील लेते हैं। लहसुन क्या करेंगे, लहसुन और हरी मिर्च को इसके साथ ही भूनेंगे, बैंगन के साथ ही। तो सबसे पहले लहसुन छील लेते हैं। लहसुन थोड़े बड़े बड़े होते जल्दी छिल जाते हैं, छोटे लहसुन में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं लहसुन ही छीलूँगी, ये फटाफट छील के भूनने के लिए लगा दे बैंगन। अभी सारे लहसुन छिल गए हैं, अब बैंगन में लगाएंगे थोड़ा पहले तेल, थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इसके अंदर, जो भूनते टाइम ना ये अच्छे से छिल जाए बैंगन, ये छिलते नहीं है। अभी बैगन में क्या करेंगे, ऐसे बीच में फाड़ लेंगे, ये चीरा लगाते हैं इस तरीके से, और हरी मिर्च इसके अंदर ऐसे घुसा देंगे, और साथ में लहसुन भी घुसाएंगे, जो इसके साथ ही भुन जाए दोनों चीज़ें। मेरा बैगन काफ़ी बड़ा है तो फिर कुछ ज़्यादा लगाऊंगी मिर्ची इसके अंदर, तो इसको इस तरीके से है तो बड़ा ही लेकिन कच्चा है बिल्कुल अंदर से, इसको ऐसे कर घुसा देंगे, और एक लहसुन भी डाल देंगे साथ में इसके। चार तो फिर चीरा लगाएंगे और बस ऐसे डालते चले जाएंगे लहसुन और हरी मिर्च। अब देखो मैंने चारों तरफ इसके अंदर देखो ना खोल के इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन लगा दिए। अब इसको भूनने के लिए चढ़ा देते हैं। अब मैंने जाली रखी है इसके ऊपर, आप लोगों के पास कोई सी भी जाली हो वो जाली रख के इसे बैगन रख देंगे भूनने के लिए। अब इसका हरी मिर्च और लहसुन भी भून जाएंगे, और इसके आसपास मैं टमाटर भी रख देती हूँ, जो हमारे टमाटर है वो साथ के साथ भून जाए। टमाटर भी इसके साथ ही भून लेंगे। अब इसको जब तक ही हमारे बैंगन और टमाटर भून रहे हैं इतने में आटा गूंद लेते हैं। अभी मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, गेहूं का आटा बिना छाने ले रही हूँ मैं, इससे लिट्टी अच्छी बनती है। अब इसमें नमक डालेंगे, और कुछ नहीं डालना होता इसके अंदर, नमक और घी। अगर घी नहीं है तो आप लोग रिफाइंड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक डाल लेते हैं, और थोड़ा घी डालूँगी। अब इसमें 2-3 चम्मच घी डालेंगे, घी डाल के मिला लेंगे अच्छे से। सारे आटे को मिला लेंगे जो अच्छे तरीके से मिल जाए, इससे हमारी लिट्टी बहुत अच्छी बनेगी। और इसका ना हमने टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है जैसे आप रोटी के लिए लगाते हो, टाइट डो लगाएंगे। इससे क्या होता है लिट्टी बहुत अच्छी बनती है, सिकती भी अच्छी है। सारा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, और एकदम पानी डाल देंगे तो आटा हमारा पतला हो जाएगा। थोड़ा करके डालेंगे आप पानी, बिल्कुल टाइट डो लग जाए। अब ये आटा मैंने टाइट डो लगा लिया है, अब इस टाइट डो को हम रख देंगे साइड में, ज़्यादा मसाला नहीं होता,
जब तक हम और तैयारी करेंगे अब तक ये सेट हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। अब ये बैंगन भुन गया है चार तरफ से और टमाटर भी साथ के साथ भुन गए हैं। ये देखो टमाटर भी सारे भुन गए। अब इसको उतार लेंगे और इसको तुरंत ही हम लोग छीलेंगे, ये तो बाद में छीलता नहीं है। हमारे बैंगन भी भुन गए हैं और ये टमाटर भी मैंने छील के रख लिया, बैंगन भी छील के रख लिया है। हम चोखा बाद में बनाएंगे, पहले सत्तू की तैयारी करते हैं। ये मैंने सत्तू लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। अब सत्तू के अंदर हम डालते हैं मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे अचार का मसाला, जो अचार का नीचे का मसाला होता है वो डालना होता है। आप अचार में से थोड़ा सा मसाला निकाल के इसमें डालेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये अचार का नीचे का मसाला है, मैक्सिमम अचार में होता ही है मसाला, तो अचार का मसाला डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग हरी मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन मैंने क्या किया था छील के, मैंने इसको चॉप कर लिया था बारीक बारीक, लहसुन डालेंगे इसमें, फिर प्याज डालेंगे, प्याज को इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल होता है वो डालेंगे, पकाना नहीं है, सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हमें इसमें इतना डालना है जो हम अगर इसको मिलाए तो मुट्ठी से बन जाए। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। सरसों के तेल से क्या होगा, जैसे हम ऐसे बांधेंगे तो अच्छा से बन जाएगा और अंदर स्टफिंग भी अच्छी होगी। अच्छे से मिला लेना है, अगर आपको तेल कम लग रहा है थोड़ा सा तेल और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से मिलाना है मसल मसल के, इस तरीके से मसलना है जो सारा मिल जाए आपस में ये मसाला। और एक बार नमक चेक भी कर लेना इसका, अगर नमक कम होगा थोड़ा सा नमक हम और डाल सकते हैं, कम होगा तो दोबारा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम नहीं कर सकते, इस बार नमक पहले कम ही डालना चाहिए। अब देखो ऐसी मुट्ठी बन रही है ना इसकी, ये देखो इस तरीके से भाई इतना ही होना चाहिए कि हमारी ऐसी मुट्ठी बन जाए। अब इसको साइड में रख देते हैं, हम लिट्टी बनाएंगे, चोखा हम बाद में बनाएंगे, पहले लिट्टी बना के लगा देंगे सेकने के लिए। अब हम क्या करते हैं लिट्टी बनाते हैं, पहले लिट्टी बना के ऐसे करके लोई लेंगे, पहले इसको गोल कर लेंगे अच्छे से, फिर थोड़ा सा आटा लगा के इसमें सूखा, और इसको हमने कटोरी सी बनानी है इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से राउंड राउंड करके कटोरी सी बना लेंगे। अब इसमें हम सत्तू रखेंगे बीच में इस तरीके से दबा के, अब इसको धीरे धीरे हाथ से बंद करेंगे,
नीचे से ऐसे करते रहो, ऊपर से बंद करते रहो ऐसे करके। अब आप चाहो तो एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हो, नहीं तो इसको ऊपर ही फोल्ड कर दो। मैं एक्स्ट्रा आटा निकाल देती हूँ और इस तरीके से गोल कर लेंगे। देखो किस तरीके से गोल हो गई, बिल्कुल इस तरीके से अच्छी तरह बंद होने चाहिए। सारी बना बना के ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा आटा लगा लगा के ऐसे करके बनाएंगे, जैसे कटोरी की शेप होती है इस तरीके से बना लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तरीके से भर लेंगे सारी। अंदर करते रहना ऐसे अंगूठे से और ऊपर से कवर करते हुए, ये सारा मसाला अंदर चले जाता है। देखो इस तरीके से अंगूठे से भी दबाते रहना ये मसाला बाहर ना आए। अब इस तरीके से ये बंद हो जाती है। देखो बंद हो गई। मुझे एक्स्ट्रा आटा है इसको मैं निकाल देती हूँ। सारी ऐसी बनाएंगे लिट्टी। अभी सारी हमने बॉल बना दी है लिट्टी की। सारी देखो इतनी बड़ी बड़ी बनाई है और गोली अच्छी लगती है। इसको चपटी मत करना, चपटी करने से अच्छी नहीं लगती है, गोली अच्छी लगती है ये। मैं क्या करूँगी, मैं हांडी में बनाऊँगी, हांडी में सेकूँगी। ये हांडी है मेरी, इसमें मैं थोड़ा तेल डाल देती हूँ। तो ये मिट्टी की हांडी है तो इसमें और भी अच्छी सिकेगी। पहले तेल डाल दी थोड़ा सा और तेल डाल के चारों तरफ चला दूँगी या हाथ से फैला दूँगी, जो भाई लिट्टी चिपके नहीं। इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे, अच्छी तरह सिक भी जाएगी इस तरीके से। ये देखो चारों तरफ तेल लग चुका है। अभी हमारी हांडी गर्म हो चुकी है, इसके अंदर डाल देंगे एक करके लिट्टी डाल देंगे। जितनी इसमें लिट्टी सिक जाएगी उतनी डालेंगे। और पहले तो तेज कर रखेंगे गैस, उसके बाद धीरे कर देंगे। इसको अच्छी तरह कर देते सेट, जो चार तरफ से लिट्टियाँ अच्छे से सिक जाए। अब ढक्कन लगा देंगे तेज गैस करके और इसको चार चार मिनट के अंदर पलटते रहेंगे। देखो हमारी लिट्टी एक तरफ से पक चुकी है, अब एक तरफ से पलट देते हैं इसको। हांडी में क्या है, मिट्टी का स्वाद आएगा जैसे गांव में बनाते हैं। अब जब तक हमारी लिट्टी सिकती है इतने हम चौका बना लेते हैं। चौका बनाने के लिए हमने जो बैंगन भुने थे और टमाटर भुने थे ये ले लेते हैं। सारा इसमें डाल लेंगे बर्तन के अंदर। लहसुन भी हमारे भुन गए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो लहसुन एकदम ऐसे करके सॉफ्ट हो गए थे, देखो इस तरीके से। इसी के साथ भुन गए थे बैंगन के साथ और हरी मिर्च भी। अब इन सब चीज़ों को एक बाउल में डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ी चॉप करी हुई प्याज।
इसमें थोड़ा नींबू का रस डालूंगी एक चम्मच के करीब। थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। अभी इन सब चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से, बिल्कुल मैश कर लेंगे मैशर से, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से, नहीं तो नीचे भी निकल जाता है। ज़्यादा तेज की दवा हो तो पूरे बाहर भी निकल जाएगा, तो बिल्कुल आराम से मैश कर लेंगे। ऐसे करके सारा मसाला मिला लेंगे साइड से कर कर के। अब चौके के अंदर भी थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, इसको ही मिला लेंगे। मैं हाथ से ही मिला रही हूँ, हाथ से क्योंकि अच्छा मिलता है। हमारा चौका भी बन के तैयार हो गया है, लिट्टी हमारी सिक रही है। अब मैं बनाऊंगी चटनी। अब हमारा चटनी, इसके लिए हम प्याज ले रहे हैं, टमाटर, 3-4 हरी मिर्च ले रहे हैं और 2-3 लहसुन की कलियां ले रहे हैं। और इसमें डालेंगे नमक, बस और कुछ नहीं डालेंगे हम। अब इसको पीस लेते हैं। फिर चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये सारी हमारी लिट्टी बन के तैयार हो गई है हांडी के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी सीखी हांडी के अंदर। बन के तैयार हो चुकी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस पर डालेंगे देसी घी। आप चाहो तो डिप करके भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।